ठंडा लेकर आओ। अंडा बहुत बड़ी बता रहे, हम ठंडा बता रहे, वो अंडा बता रहे। जब से आप लोग आए हैं आपके चेहरे पे काफी उदासी है। जानना चाहते हो मेरे यार, तो आज हम बताएंगे मेरे यार और पर गया आपसे सुनो तुम बात मेरी, मेरे यार
कृपा के साथ और 5,000 की छोड़ो एक पैसा नहीं लौटाया। फिर क्या हुआ? और मेरे दोस्त ने कहा कि जाओ कर्ज असूली के लिए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? वहां पर मुझे भीमा नहीं मिला। फिर मिला कौन? और मिली भीमा की लड़की। अचानक में मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा कि इस लड़की को ले जाकर के अपने दोस्त की हवेली में ले जाऊंगा, तब देखेंगे उनका सीना बहुत चौड़ा हो जाएगा। यानी लड़की को उठाकर भवानी सिंह को पेश करने वाले थे। और जैसे मैं लड़की को उठाना चाहा, उसी समय पार्वती का लंका। ये पार्वती कौन है? एक है गांव में बेवा औरत, राम है राम, उसका लंका लिया और मुझसे काफी टकराव हुई। आखिर में मैं ब्लास्ट होकर के वहां से भागना ही पड़ा। यानी उसने तुम्हें काफी पीट दिया, बहुत मार लगाया और इसी से मैं भागना दौड़ा सीधा भाई से मिला। फिर आज उससे जब कहा तब उनको अचानक में गुस्सा आया, कहा कि चलो आज चलते भीमा की झोपड़ी की तरफ। जब वहां पर हम दोनों लोग देखा तो वहां पर पर्वतिया वही लाए पेड़ मिली। और जब मैं लड़के के बारे में कहा मुझको गाली देने लगी। अचानक में मुझे गुस्सा आया, मैंने पर्वतिया को धाय धाय से उड़ा दिया। क्या उसका खून कर दिया और खून करके मेरे पास आए हो? ठीक जगह पर आए हो, लेकिन हमें इसे यशवी अवधे से कहते हैं। यहां काम तो होगा लेकिन काम के लगेगी कीमत, यानी पैसा। क्या कहा? पैसा हमें चाहिए पैसा। अरे 10-20 लाख क्यों ना खर्च हो जाए, लेकिन हम लोगों पे आज नहीं आना चाहिए। अरे नहीं भानु प्रताप, जहां है हम तो करना नहीं कोई कम। सब देश ने ज्यादा रखे सिर्फ 50,000। क्या कहा? 50,000 रुपए। अरे 50,000 की छोड़ो, आप कितने काउंटर पे 50,000 रुपए भेजवा देंगे और आपकी बीबी के लिए बनारसी साड़ी भिजवा देंगे। मेरे दोस्त माइनर के भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। इंस्पेक्टर साहब के जो रश्मि साहब कह रहे हैं कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मेरे यार ये जो पैसे है एसपी साहब ने मेरे, इतना ही नहीं एसपी साहब 5,000 के लिए तुम मेरा काम करते जाओ, मैं तुम्हारी हवेली में इतना पैसा भेज देंगे जो कि कभी सोचा नहीं होगा। जब लोहा गर्म हो तो मौका देकर हथौड़ा रखना चाहिए। मेरे दोस्त संभाले रखा और फोन का इल्जाम हम लोगों के सर नहीं होना चाहिए। भानु प्रताप, हमें सिर्फ पैसों से प्यार है, ना तो प्यार कानून से है और ना तो इस होना चाहिए। पैसा है तो संसार में सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ नहीं। इसी तरीके से मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के चलोगे
तो रूपों से कभी और किया है जुलम नीच मातारी साहब, और किया है जुलम नीच मातारी बाप नारी के भीजे दूंगा, लेकिन
इस पार्वती का भाव इसके लौंडे पे आना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, बैठो दीवान, ये लाश ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए और हम इससे जा पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। जा क्या नाम है लंबे तेरा बताओ ना। सर मेरा नाम तरुण है। क्या करण ले जाओ से। करण क्या सोचकर हमारे पास आया था कि तुझे इंसाफ मिलेगा। हाँ सर, मेरा दूध का दूध और पानी का पानी सब कर नहीं, पानी का पानी और दूध का दूध नहीं होगा, दूध में पानी होगा। अगर तेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो ला मुझे, मैं तेरा इंसाफ करूंगा। नहीं सर, मेरे पास तो है पैसा नहीं है, मैं दाने दाने को मोहताज हूं। तो क्या हम तुम्हारे पाँव के गुलाम हैं? तू अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक
मैं तुझे तड़फा तड़फा कर मारूंगा।
तक इसकी मौई चोट कर भूलता। मान जा कहा, अगर कहा नहीं माना तो गला दबा दूंगा। You can do it.
अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना, उसे ना तो खाना खुश रहो ना तो पानी दिया जाएगा। क्यों मर रहे हो? क्या हुआ रे? आगे बढ़। क्या हुआ? नुकसान साले का हो गया? क्या दो दिन का छुट्टी? यानी दो दिन की छुट्टी, नुकसान क्या हुआ है? यानी तेरे घर से क्या कोई मर गया है? मरने वाला है? बीमार है? तेरी औरतिया के लंका पैदा होगा साले धो रहे हो। लेकिन नहीं, जब तक ये मुल्जिम यहां रहेगा छुट्टी नो परमिशन। तुम लोग क्योंकि कायदे से करो, क्योंकि नाका के अंदर जो मुलजिम है जब तक अपना बड़ा घूम नहीं करता है हम उसका चालान नहीं दे सकते। इसलिए कि गुनाह कबूल करने पर मजबूर हो जाए, समझे?